अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सैंडविच। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, ऐसे ही चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और बहुत ही मज़े के हैं। तीन मैंने बॉइल किए हुए अंडे लिए ने, अंडों को कद्दूकस कर लेंगे। तीनों अंडों को इसी तरह कद्दूकस कर लेंगे। तीनों अंडों को मैंने कद्दूकस कर लिया। एक चमची नमक डालेंगे, नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है। एक चमची गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच मायनीज़ डालेंगे, एक चम्मच रेड चिली, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। 7 पीस मैंने ताज़े वाले ब्रेड लिए ने, ब्रेड को ताज़ा लेना, बे वाले नहीं लेना, फ्रेश ही लेना। इसके ना साइड वाले किनारे निकाल लेंगे। अब इसे सेंटर से काट लेंगे, इसे ना समोसा कट कर लेना, इसी तरह इसे काट लेना। सारे पीसों को ना इसी तरह कट कर लेना। सारे पीसों को मैंने कट कर लिया, आप दे सकते हैं। जो साइड वाले किनारे हैं इसका हम ब्रेड ग्राम तैयार कर लेंगे। साइड वाले किनारे का ना हमने ब्रेड ग्राम तैयार कर लिया, इसी तरह एक एक पीस लेंगे। इसके ऊपर ये फेस लगा लेंगे जो हमने अंडे का तैयार किया है। दूसरे पीस को ना ऊपर रख लेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे। सबको इसी तरह तैयार कर लेंगे। सारे पीसों को मैंने रेडी कर लिया, सबको मैंने तैयार कर लिया। बेसन डाल लेंगे, ये आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा है बेसन। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल लेंगे, दो चुटकी नमक डाल लेंगे, आधी चमची सुर्ख लाल मिर्च डाल लेंगे, आधी चमची पिसा हुआ मसाला डाल लेंगे, ये मैंने गरम मसाला डाला है, पानी डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, आप दे सकते हैं। इसे मैंने पतला भी नहीं रखा और गाढ़ा भी नहीं रखा। इसी तरह एक एक पीस लेंगे, इसमें डिप कर लेंगे। आप दे सकते हैं इसके, इसे मैंने बेसन लगा लिया। अब ब्रेड ग्राम लगा लेंगे। आप दे सकते हैं, सबको इसी तरह तैयार कर लेंगे। सबको मैंने तैयार कर लिया ब्रेड ग्राम और बेसन लगाकर। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, ऊपर से भाप आए तो समझ लेना ऑयल गर्म हो चुका है। आप एक एक पीस करके डाल लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए हल्की सी आंच पर पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ऊपर डाल लेंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आज का स्कूल चालू हो चुके हैं,
लंच बॉक्स में ये बना कर दें मज़ेदार सैंडविच, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे उल्टा लेंगे। माशाल्लाह देखें ये वाली साइड से कितना अच्छा बना है। अब ये वाली साइड से भी दो मिनट के लिए पकने देते हैं। जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका सकते हैं। दोनों साइडों से हटकी सी आंच पर इसे भून करना है। दो मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये वाली साइड से भी हमारे सैंडविच फ्राई हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं सारे सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, ऐसे ही चाय के साथ बना कर खाएँ, नाश्ते में बना के खाएँ। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये बहुत ही मज़े के हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा खुदा हाफिज़।